वक्त भी कितनी गजब की चीज़ है ना, जब हम दिल से वेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ का तो टाइम ही नहीं बीतता यार। और जब हम वेट नहीं कर रहे होते हैं, जब हम किसी के साथ कुछ मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं या फिर कहीं जा रहे होते हैं, तो टाइम ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ये कुछ स्पेशल मोमेंट होता है तो, बट हमें पता है दोनों मोमेंट्स में पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखो, आपको खुद पता चल जाएगा। लैंडस्टॉन, दिल्ली से कुछ 5 घंटे दूर का रास्ता और इतनी खूबसूरत जगह कि मैं खुद अपने वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती। ये मेरा 3rd time था सेम जगह पे। मेरे यहाँ बहुत सारी मेमोरीज हैं, 2018, 2020 एंड 2022। चलो हम बात करते हैं लैंडस्टॉन के बारे में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी दंजल, और मैं हूँ इस वक्त लैंडस्टॉन के रास्ते पे एंड बीच में आई है सुंदर सी नदी। इसमें सिर्फ 4 लोग अलाउ है इस पुल पे। मेरे सामने प्रॉपर्टी है कोई, इस नदी का नाम मैं आपको बिल्कुल देखकर बताती हूँ, और जगह कितनी खूबसूरत है ना। यहाँ से कच्चा रास्ता जा रहा है और जो मेरा रास्ता है मैं उस तरफ से आई हूँ। मैं आई हूँ इस वक्त जिम कॉर्बेट से और मैं जा रही हूँ उस तरफ, और मैं जा रही हूँ लैंडस्टॉन। यार चेक करो, गाड़ी आराम से आ सकती है, पानी पर पास आके कितनी शांति से मिलती है ना। जाने क्यों बहका सा ये मन है, इससे जब पानी की साउंड सुनो। कितनी हंसी वादियाँ है ना, आई मीन कुछ दिख नहीं रहा बट इट्स ब्यूटीफुल। आई नो, संस्कारा एंड संस्कारा, आई मीन संस्कारा एंड समसारा। यार यहाँ पे ना, ये जब भी पहाड़ी एरिया में आते हैं ना, आई फाउंड दिस काइंड ऑफ प्लांट्स और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। यार इनका नाम पता है आपको, ये जो रेड वाले हैं बेसिकली, और ये जो मेहरून से कलर के हैं, पिंकिश मेहरून, क्या बोलूँ, डार्क पिंकिश रानी कलर। चल रहे हैं भैया, 2 मिनट रुक जाओ, हो गया फाइनली। लेट्स जस्ट गो इनसाइड, इज़न्ट दिस इज ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ से ट्रैक को रास्ता निकलता है गाइस, ट्रैक बहुत सही है। मैं लास्ट टाइम भी किया था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, नॉट फर्स्ट टाइम, जब मैं आई थी तब किया था। 2-1 आ जाओ। ब्रास का जूस, ब्रास का। ब्रास का जूस, इवन आई डोंट नो व्हाट इट्स एक्चुअली इज बट इट्स यम। मैं जिस भी मौसम में आ जाऊँ ना, यहाँ पे मुझे ये वाले फ्रूट मतलब मिलते हैं। दिस इज नींबू, पता है, दिस इज एक्चुअली नींबू। मैं लास्ट टाइम भी लेके गई थी और घर तक नहीं पहुँच पाया, तब तो मैं बहुत लंबी ट्रिप पे थी। एंड आई जस्ट लव दिस एरिया, मतलब इन लोगों ने पूरा गार्डन मेंटेन कर रखा है, इनका सिटिंग एरिया मेरा फेवरेट है। और तो और, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, आई विल शो यू द रिसेप्शन नाउ। तो जब आप एंटर करोगे तो आपको इस तरह की कुछ रिसेप्शन मिलेगी, छोटा सा फ्रिज वेयर यू कैन एक्चुअली टेक थिंग, एंड दे हैव द बुक कॉर्नर एज वेल। ये ऊपर वाली जगह मुझे अभी नई शो, ये नई बनी है, इन्होंने बहुत अलग से मेंटेन कर लिया अब ये वाला स्पेस रिसेप्शन का। दिस इज ऑल सिटिंग एरिया। हेलो, आपने ये बहुत चेंज कर लिया, पता है पहले यहाँ पे रूम था, अब रूम ये भी रूम था, ये हाँ था। हाँ फ्रंट ऑफिस बाहर था, तो अब डोमेट्री ऊपर, मैम डोमेट्री हमने चेंज कर दी है, कॉन्सेप्ट चेंज हो, फैमिली रूम में कन्वर्ट हो गया। अच्छा फैमिली रूम में कन्वर्ट हो गया, अभी खाली है? अभी खाली है, दिखा देंगे आपको। पक्का? चलो, और मैम तो होंगी नहीं, मैम को हाँ। एंड जस्ट लव विद दिस प्लेस, ओह माय हैप्पीनेस। बारिश, मैं आज सिर्फ 1 दिन के लिए हूँ, दैट्स अ कॉमन वॉशरूम एरिया गाइस, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए हूँ। एंड आई नो इट्स गोना बी अ वेरी 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 ब्यूटीफुल डे। इनकी कैंप्स चेंज हो गए आपके पहले से? सब चेंज हो
बनिश्री मतलब मैं आई थी ना, इनके रूम का कंसेप्ट थोड़ा अलग था, यहाँ पे सिटिंग एरिया का भी कंसेप्ट अलग था, बट दिस लुक बहुत प्यारा एंड दैट्स द रूम। माय गॉड, आपने बहुत चेंजेस कर लिए पता है पहले से। हाँ आई रिमेम्बर, दैट्स यूटिलिटीज, दैट्स मिरर, वॉशरूम नहीं था मेरा। हाँ वॉशरूम कर दिया ना पहले, मुझे वॉशरूम देखना। मैं जब लास्ट टाइम आई थी तब आपका वॉशरूम अंदर नहीं था, दैट्स ऑसम भैया, मतलब आपने इस बार अंदर वॉशरूम कर दिया। वाओ, लेट्स जस्ट गो टू आउटसाइड एरिया। वाह, लुक एट दिस, दे हैव फाइव दीज टेंट रूम and now with the attached washroom, so I am lucky. Finally it's raining, मतलब 3-4 दिन तक तो मुझे लगता है लैंडस्टाउन में बारिश होती रही, मैं तो अपना रूम पूरा ही बिखेर चुकी हूँ। बापरे, ये मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, तो मैं तो पूरा अपना रूम बिखेर चुकी हूँ और इस वक्त हो रही है बारिश। लैंडस्टाउन में भी आने वाले कुछ दिनों तक बारिश ही है, तो अगर आप लैंडस्टाउन प्लान कर रहे हो इनके साथ, सो यू गोना एंजॉय द रेन ऑल्सो। जगह प्यारी है ना यार ये, उई बारिश बढ़ गई, चेक करो आवाज। जिंदगी गाइस, चेक करो, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय धुंध के, कसम से ये धुंध है और मैं अपनी गाड़ी तक पैदल पैदल जा रही हूँ। मेरी आंखों में तो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो गाइस, डिनर आ चुका है, ये बहुत सारा डिनर है, दिस इज़ मीठा एंड मुझे इस मटके में देखना पड़ेगा, राइस है इस मटके में, क्या है इस मटके में, दाल है एंड ये यहाँ का लोकल फूड है जो कि स्पेशली मेरे लिए प्रिपेयर करा गया, ये कढ़ाई पनीर है। मैंने बोला था क्वांटिटी कम देना, फिर भी इतनी सारी क्वांटिटी एंड मतलब इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी एंड चपा, ओ माय गॉड, मैं इतनी चपातीस नहीं खाती, मैं इसी नफादी चपाती खाऊंगी क्योंकि मैं थोड़े से राइस भी टेस्ट करूँगी, सो दिस इज़ टू मच फॉर मी फिलहाल। पता है मतलब यहाँ पर ना सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है। Well, thank you so much for watching and see you with new vlog day after tomorrow. बोलना मत, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना अगर अच्छी लगी हो, एंड अगर आप लैंडस्टाउन जा चुके हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।